श्रोता बंधु, मैं आप तक एक अद्भुत बिरहा आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। गाने का शीर्षक है कि राजा भर्थरी बैराग बने उसके दो कारण, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा। लगाइए वो मिस्टर। कि भावनाए वशीभूत कर देती है, भावना ही करे सबको भाव से किनारे। भावना जैसी हो भक्त भगवान से, भावना से दिखे जिनकी तैसी नजारे। भावना ज्ञान का तच्छु खोले सुघर, तज के दुर्भाव जो अपने मन को सुधारे। भावना भरथरी भक्त अपनी बदल, माधव के संग जाग करके तन को संवारे। एक लाइन यहाँ पर आशिकाना गजल है, कहना है मास्टर साहब। हाय हाय हाय, कोई कोई से कह रहा है कि इश्क से दुश्मनी ले रही है, भाव में कहना है कि ज्ञान की ज्योति जिस ओर जली है, कहानी हो। लगाई जाओ मास्टर। उज्जैन नगर मध्य भरथरी भूपाल रहे, उज्जैन नगर मध्य भरथरी भूपाल रहे,
धन वैभव विभूति से वो माला माल रहे। पत्नियां श्याम देई पिंगला गुणवान रही, पत्नियां श्याम देई पिंगला गुणवान रही, चमकती चंचला वो चांद के समान रही। घटना जो राजन के रोम कांप गए, सत्यता सत्य और स्वार्थ की वो माप गए। बात को समझ लीजिए बाबूजी, उज्जैन नगर में एक राजा थे जिनका नाम बताया गया राजा भरथरी। राजा भरथरी के पास दो पत्नियां थी, पहली पत्नी का नाम बताया गया पिंगला श्यामदेई, दूसरी पत्नी का नाम बताया गया पिंगला। ए बाबूजी आज बड़ी खूबसूरत है, आज वो इतनी खूबसूरत है जैसे चांद, चांद जैसन चमकती रहती है, इतनी खूबसूरत है। लेकिन राजा भरथरी जी रानी श्यामदेई से ज्यादा रानी पिंगला को चाहते हैं, क्योंकि बड़ी खूबसूरत थी बाबूजी। और एक ऐसा समय आया कि आज उनके मन में एक बात आई, कहना हुआ भैया यहाँ पर एक लाइन तर्ज है। अपने पिया को खत लिख रही है, यानी चिट्ठी लिख रही है, कहना है लिख लिखा भेजी अंतर देसी लिफाफा सैया आई बाकी। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। वैसे कहा गया है कि जीवन त्याग करना इतना आसान नहीं होता मास्टर साहब, अगर जीवन में बहुत कष्ट मिलता है तभी लोग जीवन त्यागते हैं। आज राजा भरथरी जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि उनका पूरा रोम रोम कांप जाता है। और क्या घटना घटती है कि राजा भरथरी जी शिकार करने जाते हैं, वहां उन्हें प्यास लग जाती है, एक कुटिया में गए, कुटिया में जब जाते हैं तो एक संत महात्मा वहां बैठे हैं, उनके पास गए, कहने लगे मुनिवर क्या हमें पानी मिलेगा। उसी समय मुनि जी कहते हैं हाँ बेटा अवश्य पानी मिलेगा, लेकिन तुम हो कहाँ के, तुम्हारा नाम क्या है। उसी समय राजा भरथरी बताते हैं कि मैं उज्जैन नगर के रहने वाला राजा भरथरी हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं शिकार करने आया था। आज मुनिवर ने पानी दिया और राजा भरथरी जी पानी को पी लेते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन उसी समय वो साधु एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं भैया कहना है, मुनि जी दिए एक फल राजा को बुलावा ये कहे
कभी ना बूढ़ाए मुनि जी समझाए कहे लेकर आए। कहा बेटा ये फल आप ले लीजिए, और ये फल कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, आप ये फल की खासियत ये है कि अगर ये फल अगर आप खा लोगे तो बहुत वर्ष तक आप इसी तरह नौजवान रहोगे, आपकी बुढ़ाई जल्दी नहीं आएगी। उसी समय राजा भर्तृहरि वो फल लेकर के हाथ में एक बात सोचते हैं। क्या सोचते हैं मास्टर साहब? सोचे महाराज फल खाए हमारी रानी, सदा बरकरार रहे उनकर जवानी, कि क्यों ना ये फल मैं नहीं खाऊंगा, ये फल मेरी रानी पिंगला खाएगी, क्योंकि मैं अपनी रानी पिंगला को बहुत चाहता हूँ। अरे मुझे क्या है, अगर मैं खा लूं तो मैं उसी तरह नौजवान रहूंगा, और मेरी रानी पिंगला जिसे मैं जान से ज्यादा चाहता हूँ, जिसके पीछे राज पाठ धन दौलत कुछ मायने नहीं है, अगर वही चार दिन बाद बूढ़ी हो जाएगी तो क्या मतलब निकलेगा। राजा भर्तृहरि सोच लिए और फल लेकर के गए अपने भवन। जब घर जाते हैं रानी पिंगला को दिए, मुस्कुरा करके कहते हैं क्या, और सदा बरकरार रहे इनकर जवानी, दिए तत्काल फला रहे मुस्काए समा झाए कहे, कभी न बूढ़ाए मुनि जी समझाए कहे, उसी समय राजा भर्तृहरि जी जब गए रानी पिंगला के पास, कहने लगे कि हे रानी मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ। रानी से कहने लगे तो रानी ने कहा क्या बात है राजन, कहा ये फल ले लो और इस फल को खा लो और तुम सदा इसी तरह नौजवान रहोगी। रानी पिंगला बहुत खुश हो गई मन में कि वाह राजन, आप वास्तव में मुझे बहुत चाहते हो, मेरे प्राण प्रिय। उसी समय राजन चले आए, रानी एक बात सोचती है, क्या बात सोचती है, यहाँ पर एक लाइन तर्ज है मस्त। अपने सैया से को चीज मांगे था मास्टर साहब, कहे ला कि ये जमाना जो हो बहुत आगे बढ़ाता, जो चार पाई वाला जमाना चला गया, कहे ला हमके बेड मंगवाई दे सैया, कहे से कि जब चार पहिया पे लेटा था बहुत तेज तेज आवाज करा था, तो उसी समय कहा था, कहा था भाई अपने सैया से, होता दू तहरा देह में अपना सहाय जी, होता दू तहरा देह में अपना सहाय, होता दू तहरा देह में अपना सहाय, कहला ए सैया पूरे बदन में दर्द होता कि सैया डबल बेड के पलंग बनवाई, कहा था कि डबल बेड वाला चाहे कि सैया डबल बेड के पलंग बनवाई, कटिया पे जो
या कहना है। उसी समय रानी पिंगला वो फल हाथ में लेकर के कहां जाती है भैया? रानी उ फल जाके मंत्री को दे आई हो, जैसे चोरी चोरी जैसे चोरी चोरी नहीं लगाई दादा जवान समझने की बात है भैया। उसी समय रानी पिंगला ने कहा कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी, ये फल जिससे मैं प्रेम करती हूँ, मेरे जो दरबार में मंत्री है जिससे मैं प्रेम करती हूँ, ये फल मैं उसे दूंगी। भाई मैं खा लूंगी तो इसी तरह नौजवान रहूंगी और वो चार दिन बाद बुढ़ा हो जाएगा तो क्या मतलब निकलेगा। उसी समय रानी फल लेकर के मंत्री को जाकर दे आती है। लेकिन कहना है भैया, मंत्री का प्रेम रहे वैश्य से भारी, फल दैयावा कोठे पे व्यभिचारी, कहानी यहाँ पर मोड़ लेती है सुनने वाले भैया। जब वो पिंगला वो फल मंत्री को देती है तो मंत्री का प्रेम रहता है एक वैश्य से और वो फल ले जाकर के वैश्य को दे आते हैं मंत्री। उसी समय जब वैश्य ने फल को हाथ में लिया और मंत्री ने जब बता दिया कि इस फल को अगर खा लोगी तो बहुत दिनों तक नौजवान रहोगी, उसी समय वैश्या ने एक बात सोच लिया। बाबूजी समझने की बात है, पहले फल राजा के पास गया, उसके बाद फल रानी पिंगला के पास गया और वही फल मंत्री के पास गया और मंत्री से वही फल वैश्या के पास आया। वैश्या ने बड़ी अनमोल बात सोच लिया, कहा नहीं मैं ये फल नहीं खा सकती, इसलिए नहीं खा सकती कि मेरा जीवन तो वैसे में भी नर्क है। अरे मेरे कोठे पर एक नहीं चार दस रोजाना आते जाते रहते हैं, मेरा जीवन तो वैसे में भी नर्क है और अगर मैं फल खा लूंगी तो और कितने दिनों तक मुझे नर्क में रहना पड़ेगा। उसी समय वो वैश्या फल ले जा करके राजा के दरबार में यानी भर्थरी के दरबार में आती है। तो उसी समय कहना है भैया क्या कि फल दैयावा कोठे पे व्यभिचारी, उसने सोच लिया क्या, वैसे ही सोचे हमरे राजा बड़े ज्ञानी, मैं अपने राजा भर्थरी को दे आऊंगी इसलिए कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं, गरीबों के दाता हैं, गरीबों के भगवान हैं वो, अगर मैं उन्हें फल दूंगी तो वो फल खा करके नौजवान रहेंगे, हमेशा प्रजा की रक्षा करेंगे और मुझे क्या है, मैं ये फल नहीं खा सकती। उसी समय वो वैश्य फल लेकर के राजा के दरबार में पहुंच जाती है और जब पहुंच गई, जब फल को राजन ने देखा दरबार में जब पहुंची तो जैसे ही राजा को दिखाया उसी समय राजा का मन एकदम चकरा गया कि देखा राजा जी के कि देखा राजा जी के माना
वो बैस्या बाबूजी हाथ में फल लेकर गई, दरबार में पेश हो गई और राजन को कहा, राजन मैं आपके लिए एक बहुत अनमोल चीज लेकर आई हूँ। राजन ने कहा, अवश्य आप पेश करिए। भाई राजन का हुक्म, तुरंत उन्होंने कहा ठीक है आप दिखाइए। उसी समय बैस्या ने जैसे ही फल हाथ में लेकर के दिखाया, बाबूजी कहा मैं इसको आपको देने आई हूँ। उस फल की खासियत उसने बताया, राजा जी जैसे उन्होंने देखा उनका मन एकदम चकरा गया। बाबूजी एकदम कुर्सी छोड़ दिए राजन, अपना जो सिंहासन था उनका हिल गया, और जब हिल गया तो खड़े हो गए तुरंत। जब खड़े हो गए तो बैस्या से उन्होंने पूछा, कहा ये बताइए कि आपको फल मिला कहां से। उसी समय बैस्या ने कहा कि राजन, हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, कहा राजन ये फल मुझे आपके दरबार का जो ये मंत्री है इसने मुझे दिया है। अब उसी समय राजन ने मंत्री को बुलवाया। जब मंत्री को बुलवाया तो मंत्री जब आया, कहा ये बताइए कि आपको ये फल कहां से मिला। उसी समय मंत्री अब क्या बोले, अब गुमसुम चुप है एकदम, जब हम बोले तो क्या बोले, अगर हम बता भी दे तो इसके पीछे वाली बात बताना पड़ेगा। मंत्री किसी तरह उसने मुंह खोल दिया, कहा राजन ये फल आइए जो आपकी रानी पिंगला है इनसे मिला। कहन कैसे मिला, आखिर पिंगला ने आपको क्यों दिया। आज जब मंत्री की बाबूजी जब लगा कोड़ा साए 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 साए, तब मंत्री ने कबूल कर दिया, कहा आपकी जो रानी पिंगला है ना, पिंगला से हमारा आहा। उसी समय बाबूजी रानी पिंगला को बुलवाया गया, रानी पिंगला से पूछा गया, पिंगला ने जवाब दे दिया, कहा हाँ राजन मैंने दिया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन कहना है मास्टर उसी समय तेरी में जब पिंगला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसी समय राजन के दिल में बाबूजी तीर की तरह बात लग जाती है कि हरे राम कलेजे जाके तीर लग गई। सुनने वाले हमारे श्रोता बंधु, राजन के कलेजे में तीर लग जाती है कि वाह रे मेरी रानी पिंगला, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, राज पाठ सब कुछ अर्पण कर दिया, लेकिन आज तुमने मुझे धोखा दे दिया। उन्होंने कहा वास्तव में ये दुनिया में कुछ नहीं है कि हरे राम कलेजे जाके तीर लग गई तो दुल्हन दगा दे दिया, ये दुल्हन कि दुल्हन दगा दे दिया दहली हर दहली। दुल्हन दगा दे दिया दहली हर दहलीजे कलेजे जाके तीर लग गई। उसी समय बाबूजी राजन समझ जाते हैं कि वास्तविकता में ये दुनिया में स्वार्थ के बिना कुछ नहीं है। उसी समय राजन मूर्छित होकर के बाबूजी चल देते हैं, अपने घोड़े पर सवारी करके जंगल की तरफ चल दिए, कहना है मास्टर चौपड़े में। हो गया, लेकिन दूसरा कारण कहना है, घटना दूसर घटी नीप्र पे, कि घटना दूसर घटी नीप्र पे, सुन लो ध्यान से आज सुजा, कि खेलन को शिकार चल दिए भारी जंगल के दरमा,
गिरती है बाबूजी, वो जब जंगल की तरफ जाते हैं घुड़सवार सवारी करके, उसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा। और क्या दृश्य देखा कि जंगल में बहुत सारी हिरनियां हैं और उन हिरनियों के बीच में सिर्फ एक हिरन है। बाबूजी यहां पर एक ज्ञान की बात है, जब देखा तमाम हिरनियों के बीच में सिर्फ एक हिरन है और वही हिरन को राजा भर्थरी जी शिकार बनाते हैं, शिकार बनाते हैं, साध करके जब निशाना लगाते हैं उसी समय तमाम हिरनियां आती हैं राजा के पास, हाथ जोड़ करके राजन से एक बात कहती है। लेकिन यहां पर एक लाइन तर्ज है, समय को अनमोल समझते हुए कवि जी ने बहुत बड़ी बात लिखा है। क्या लिखा है भैया? उसी समय तमाम हिरनियां जाती है राजन के पास और एक बात कहती है। क्या कहती है भैया? तबीला खाए बिपातिया में आंसू भर नयन, आंखों में आंसू लेकर के कहती हैं कि हे राजन, बीला खाए बिपातिया में आंसू भर नयनवा, अमर बिरनावा माराना कि मोरे बिरनावा माराना, कि हे राजन कि हमारे एक है हिरनावा मोर बिरनावा माराना। हमारे हिरन को मत मारिए क्योंकि हमारे ये तमाम हिरनियों के बीच में सिर्फ एक हिरन है, हमारा हमारा दिल का टुकड़ा है वो, आप अगर मार देंगे तो हम सब मर जाएंगे। उसी समय राजन ने क्या काम किया? बाना नीरा दैया दिया बनावा चला, सुनने वाले भैया उसी समय राजा भर्थरी जी ने आज उस हिरन को मार दिया। जब हिरन को मार दिया उसी समय हिरन बाबूजी चटाक से उस जमीन पर गिर गया और उसकी पूरी शरीर हिल रही है, बाबूजी तड़प रही है जमीन पर। आज जितनी हिरनियां थी जा करके जब कुछ समय बीता तो वो हिरन बाबूजी अपना प्राण त्याग दिया। उसी समय तमाम हिरनियां जाती हैं उस हिरन के लाश के पास और क्या काम करती हैं? ताजद हिले जनावा सब ही छोड़ दिले जनावा, किता जा दिहले जनावा सबाई छोड़ा दिहले तनावा, मोर बीरनावा माराना मोर बीरनावा माराना, कि राजा शोक में गए भावनावा मोर बीरनावा। समझ लीजिए
दीजिए बाबूजी। उसी समय राजा भर्तृहरि जी खड़े खड़े देख रहे हैं कि तमाम हिरनियां जाती हैं उस हिरन के पास, सर पटक पटक कर बाबूजी बिलख बिलख कर वहीं पर जान दे देती हैं। तमाम हिरनियां बाबूजी जब प्राण त्याग दिया, उसी समय राजा अपनी सवार में वही घोड़े पर सवार होकर के घर चले आते हैं। जब घर चले आए उन्होंने सोच लिया कि वाह क्या बात है, एक पशु पक्षी जानवर होकर के इनमें इतना प्रेम है, इतना प्यार है, कोई स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ है। और बताइए मेरी रानी, जिसको सारा सुख मैंने दिया, कभी कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दिया, जान से ज्यादा चाहा, जिसके लिए मैंने राजपाट धन दौलत हाथी घोड़ा खेत बारी हीरा मोती सब कुछ पीछे कर दिया, जिसके पीछे न्योछावर कर दिया, आज वही रानी ने मुझे धोखा दे दिया। और देखिए एक जानवर होकर के इनमें इतना प्रेम है। राजा जी को उसी समय ज्ञान हो जाता है और घर चले आए और अपने गुरु गोरखनाथ जी को संदेश भिजवाया। गुरु गोरखनाथ जी आते हैं और कहने लगे कि गुरुवर मैं अब आपके साथ ये जो मेरा जीवन राजन का है इसको मैं त्याग करके मैं आपके साथ में बैराग बनना चाहता हूँ, साधु बनना चाहता हूँ। उसी समय गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि राजन ये असंभव है, ये संभव नहीं है। कहा गुरुवर संभव कैसे होगा? कहा संभव तब होगा जब तुम अपनी पत्नी पिंगला से माता कहकर भिक्षा ले आओगे, तभी संभव हो सकता है। अब राजा जी को क्या बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ त्याग कर दिया था। जब वो गए अपनी रानी पिंगला से कहा कि सुनो माते भिक्षाम देही, उसी समय रानी पिंगला पागल हो गई। उसने कहा कि मेरे राजन मुझे जान से ज्यादा चाहने वाले और आज मुझको माता कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा अब कुछ नहीं है मेरे लिए दुनिया में, आप मुझे भिक्षा दीजिए। उसी समय रानी पिंगला ने एक शर्त रखा है पापट में, भैया उसी समय रानी पिंगला ने अपने पति भर्तृहरि से कह रही हैं कि बोली रानी राजन से तीन तिखारा तब ऐसी धारा हो, और या तो हम के जीता या तो हारा तब ऐसी धारा हो। हमके जीता या तो हारा तब सिधारा हो। कहा आपकी मेरी एक शर्त होगी, अगर आप उस शर्त में जीत जाएंगे, और क्या शर्त रखती हैं कि आवापन सा खेला आज दोनों जन साथ में, हारे और जीत होई और विधना के हाथ में। तपन सा राजन जीत गए, कहते हैं बाबूजी वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। उसी समय रानी पिंगला ने जब शर्त रखा, जब पंसा खेलना शुरू हो गया, उसी समय बाबूजी रानी हार जाती हैं और राजा भर्तृहरि जी जीत जाते हैं। और जीतने के अनुसार उन्होंने कहा माता भिक्षा हम देही, क्योंकि आप शर्त पे हार चुकी हैं। तब पंसा राजन जीत गए और चला न कौनो चारा तब सिधारा हो, और या तो हम के जीता या तो हारा तब सिधारा हो। पिंगला अपने शर्त के अनुसार उन्हें भिक्षा देना पड़ा। उसी समय राजा भर्तृहरि जी ये साधु वाला भेष बना लेते हैं, बाबूजी राजन का वस्त्र उतार के साधु वाला वस्त्र पहन करके गुरु गोरखनाथ के साथ में चल दिए। जब चल दिए बाबूजी इधर कहना है आल्हा में,
इधर जब अपने गुरु गोरखनाथ के साथ में राजा भर्तृहरि जी बैराग का रूप लेकर के चल दिए, उसी समय इधर महल में रानी पिंगला आज बिलख बिलख कर रो रही है, अपने कर्मों पर तड़प रही है, रो रही है कि तड़प महालिया में राजन कई गुजरिया भैया। राजा भर्तृहरि जी को ये आत्मा से परमात्मा का ज्ञान हो गया और उन्होंने अपना राजपाठ सब कुछ त्याग दिया और अपने गुरु गोरखनाथ जी के साथ में चले जाते हैं। कहा जाता है भैया कि राजा भर्तृहरि जी के जीवन में बहुत सारी घटना घटी हैं। तमाम हमारे गाने वाले कलाकार या कलाकारा बहुत सारी गाई हुई है और गाए हुए हैं, लेकिन जो हमारे कवि जी ने लिखा है वो बहुत ही अनमोल कारण लिखा है, जो दिल में एकदम चुभ जाने वाली बात। तभी राजा भर्तृहरि जी ने अपना ये जीवन राजन से बैराग बन गए। कहानी मेरी यहीं से समाप्त होती, खड़ी में कहना है भैया। समाप्त होती है, गुरु घराने का परिचय है भैया। कि राम हित गुरु स्वर्ग गए कवि गुरु वर मुन्नी लाल, कलेजे जाके तीर लग गई, कि राम कलेजे जाके तीर लग गई तो सुसमाई से आवा।